हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो और डीआईवाई लैंटर्न बनाने के लिए हमें इस तरीके का प्लास्टिक कंटेनर चाहिए होगा। ऐसा कंटेनर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। मोस्टली चॉकलेट्स के ऐसे कंटेनर होते हैं। इसके ऊपर मुझे रेक्टेंगल शेप का पैटर्न बनाना है, इसीलिए मैं पहले मार्किंग करके ले रही हूँ ताकि वो एक लाइन में मेरा रेक्टेंगल शेप बने। आप चाहे तो ट्रायंगल, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। अब मैं इस शेप्स को शार्प कटर से कट करके लूँगी। बी केयरफुल व्हाइल कटिंग दी शेप ताकि आपको कटर से कोई चोट ना लगे। शेप्स कट करने के बाद ये कंटेनर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सर्कुलर शेप जो है वो मैंने मेटल को बर्न करके बनाया है। अब मैं इस कंटेनर को टिश्यू पेपर से कवर कर दूंगी यूजिंग फेविकॉल एंड वाटर मिक्सचर। एक्चुअली टिश्यू पेपर की वजह से हमें वाइट सीमेंट को इसके ऊपर अप्लाई करना आसान होगा, इसीलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। सो टिश्यू पेपर गीला रहते ही हमें इस तरीके से शेप्स के ऊपर जो टिश्यू पेपर आया है उसको अंदर की साइड लेना है, कुछ इस तरीके से।
टिश्यू पेपर लगाने के बाद इसको मैंने एक दिन ड्राई होने के लिए रखा था। बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसके ऊपर वाइट सीमेंट एंड वाटर का मिक्सचर बना के अप्लाई करूंगी। ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। सीमेंट लगाने के बाद इसको हमें गीले हाथों से एक बार इस सरफेस को स्मूथ बना लेना है और जो शेप्स है रेक्टेंगल एंड सर्कुलर उसको भी हमें गीले ब्रश से क्लीन कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर वाइट स्प्रे पेंट करूंगी क्योंकि मुझे इसे एक क्लासी लुक देना है, इसीलिए मैं वाइट ही कलर कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम की वायर लगाई है हैंग करने के लिए। आप जूट रोप भी लगा सकते हैं या फिर और कोई रोप भी लगा सकते हैं इसको हैंग करने के लिए। तो फाइनली हमारा लैंटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको एक पूरा सिरेमिक लुक आया है जैसा मुझे चाहिए था। इसमें मैंने एलईडी लाइट्स लगाई है। आप चाहे तो इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड दियास भी लगा सकते हैं। ओके, ऐसा और एक लैंटर्न हम बनाने वाले हैं यूजिंग कार्डबोर्ड। इस तरीके से मैंने 4 पीसेस में कार्डबोर्ड लिए हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाई है और इसको मैं पहले जैसे किया था वैसे ही शार्प टूल से डिज़ाइन को कट करके लूँगी उस पैटर्न को। तो ऐसे मैं उसको कट करके लूँगी। आप चाहे तो अगर आपके पास पहले स्क्वायर शेप में कार्डबोर्ड का कोई बॉक्स होगा तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो फेविकॉल की हेल्प से जो कटे हुए पार्ट है उसको मैं ज्वाइन करूँगी। जो
पैटर्न के साइड में भी थोड़ा सा रफ लुक आया है, उसको मैं कवर करूँगी फेविकॉल की हेल्प से। ग्लू गन की हेल्प से हम इन चार पीसेस को जॉइन करेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट के मिक्सचर को डायरेक्टली कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई किया है, ना कि पहले टिश्यू पेपर को उस पर अप्लाई किया है। तो अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं तो प्लीज़ टिश्यू पेपर वाला पार्ट स्किप मत करिएगा, उससे बहुत जल्दी सीमेंट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पे मुझे दो बार इसके ऊपर वाइट सीमेंट को अप्लाई करना पड़ा, इसीलिए आई सजेस्ट यू कि अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं तो टिश्यू पेपर वाला पार्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसको भी मैंने सेम स्प्रे पेंट किया है और हैंग करने के लिए एल्युमिनियम वायर लगाई है। सो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर मिरर्स ऐड किए हैं, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने इसके ऊपर मिरर को स्टिक किया है। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन, डेकोरेट या फिर कलर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ टू डेकोरेट योर लैंटर्न। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ अवर DIY लैंटर्न। So if you like this video, please give it a big thumbs up and share with your friends and family, ताकि उनको भी आइडिया मिले इस दिवाली में ऐसा कुछ DIY करने का। And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।